जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 12 बजे से, और 12 बजे आपको एक बड़ी बेहतरीन खबर देने जा रहा हूँ। तो पहले तो आप जरा बैक कैमरे से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। सो गाइस, आज क्या है ये देखो, अपने नेट लग रहा है, अब बल्ला बॉल बजाना शुरू करेंगे, बैट बॉल खेलना जल्दी स्टार्ट होगा यहाँ पे अपना। मज़ा आ रहा है देख के बहुत ज़्यादा। ये इन्होंने डंडे तो पहले से खड़े कर दिए थे, आज नेट लगा रहे हैं। अभी हमारा एक मित्र भी आ रहा है नीचे ही, देखोगे आप। मैंने उसे फ़ोन करके बताया, मैंने भाई नेट लग रहा है आज, तो ये लग रहा है नेट। और काम में प्रगति ऐसी है, वहाँ सीमेंट तो बना दिया, इतना प्लेन कर दिया एरिया। ये इधर पूरे शीशे के लगते हुए दिख रहे हैं, अब बस शीशे लगने रह गए, इन्होंने फ्रेम पूरा कर दिया है। वैसे तो इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा इससे लेना देना है। तैयार हो रही है पिच, जिसको बैट बॉल खेलना है प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें। देखो भाई, ये जो काली टी शर्ट में लड़का गया ना, ये अभी इनसे बात कर रहा है कब तक लग जाएगा, ये हमारे जानने में ही है। हाँ, आवाज़ तो पहुँचने से रही नीचे, पर ठीक है चलो, आज रात से ही बैट बॉल खेलना शुरू करेंगे, अब ऊपर देखेगा। तो दोस्तों बात हो गई है, या तो आज शाम तक लग जाएगा नेट, या फिर कल सुबह तक लग जाएगा, यानी कि या तो आज से खेलेंगे हम या कल से खेलेंगे। तो दोस्तों मंदिर से तो हम आ गए हैं, पूजा पाठ कर लिया, जय बजरंग बली की जय हो। पर आज मोमोज वाला ना वो आया ना ये आया, तो आज हमें बिना मोमोज के ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आधा मोमोज वाला आज आया ही नहीं है, चलो चलते हैं घर। वहाँ पे तो मोमोज वाला नहीं था, बट यहाँ पे एक मोमोज वाला भाई खड़ा था, इससे हमने कहा ठीक है तुम ही पैक कर दो। तो घर पे आ चुके हैं, 8:25 का समय हो रहा है, नई दुकान से मोमोज लेके आया हूँ, मजा नहीं आ रहा, मतलब देखने में ही अच्छे नहीं लग रहे हैं और ऊपर से ठंडे अलग हैं। तो भाई साहब ये इतने बुरे हैं कि मुझे फेंकने पड़ रहे हैं, नॉर्मली मैं मोमोज वगैरह कभी फेंकता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये फेंकने पड़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। चटनी ठीक है, चटनी खा लूंगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सेम ब्लॉग में, नए दिन, और आज है आपका बुधवार यानी वेंसडे, और आपके भाई ने पहनी है चेक में व्हाइट शर्ट, बाजार भी ठीक ठाक दिख रहा है, 200 पॉइंट का निफ्टी में उछाल आ रहा है, उठा पटक भरपूर चल रही है। अपडेट ये है कि नीचे वाला नेट जो कल लगा था पूरा नहीं लग पाया, नीचे जाके देखा तो रात में लाइट भी नहीं जली थी, मतलब खेल तो नहीं पाएंगे रात में, अब देखो कब तक नहीं चलेगी। बाकी अभी क्या है वो मैं बताता हूँ, काम चल रहा है नीचे नेट पे, दोबारा खोल के दोबारा लगा रहे हैं, मतलब एक काम को दो बार करने में मजा आता है, या तो हो सकता है कल सही से नहीं लगाओ तो वो कर रहे हैं दोबारा, मैं आपको अपडेट देता हूँ लाइव। देख सकते हैं इन्होंने ये जो साइड का डबल दिख रहा है ना, ये इन्होंने अभी दोबारा से उतार के दोबारा लगाया है, काफ़ी बढ़िया करके कर रहे हैं, शायद सही से लगा रहे हैं। अब कल मैं जब गया था ना, तो ये जो दीवार की साइड पे घर हैं, मतलब एक तरफ तो क्या है कि नीचे ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड नहीं मतलब रोड है, तो दूसरी तरफ है ना इस साइड, इस तरफ नीचे देखो ग्राउंड घर जो है, उस तरफ नेट ही नहीं था, मतलब बॉल मारोगे किसी के अगर गलती से शीशे पे लग जाए तो टूट सकता है वो, तो फिर उधर लगाना तो बहुत ज़रूरी है। बाकी लाइट खंभे तो खड़े कर दिए बल्ब के, दिखाता हूँ देखो, ये ब्लैक सा जो है खंभा है लाइट का, एक वो कोने में है, तो दो ये लगाए तो हैं, पर ये जल नहीं रहे दोस्तों अभी तक, कब पता नहीं जलाएंगे, देखने वाली बात है। तो ये फाइनल अपडेट है अभी यहाँ की, बाकी यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ की अपडेट ले गए हैं, और क्या करूँगा मैं यहाँ की अपडेट दे के, अपडेट तो ऐसे दे रहा हूँ जैसे मेरा है, बना रहा है बिल्डर बना दो भैया, हमारे लिए तो लोकेशन और व्यू और ख़राब कर दिया, मैं तो कहूँ गिर जाए हम सब मर जाएंगे यार, गिरे नहीं भाई, मजाक था कभी तुम इसको लेकर कमेंट कर दो, है ना। मौसम बहुत ही तंगड़ा है भाई, बहुत ही औसम है मौसम, बहुत ही मस्त मज़ेदार। तुम्हारा भाई तो आज सोता ही रहा, 9 उठा है बहुत लेट, रात 12:30 बज गए थे यार, घर आते आते ना नीचे टहल टहल के घूमता रहा, ज़्यादा देर तक गई कर। एक कमाल की बात बताता हूँ, ये जो नाला दिख रहा है बीच में, नाला के उस तरफ देखो सारे के सारे अपने मकान हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए, और नाले के इस तरफ यानी ये जो रोड आ जाता है इस तरफ में आपको सारे के सारे पता है क्या मिलेंगे, ये बिल्डिंग थी, और ये जो नाला है ये नाला बॉर्डर है, इस तरफ आपका नोएडा लगता है, उस तरफ आपका गाजियाबाद लगता है, देखो उस तरफ आपको एक भी बिल्डिंग नहीं दिखेगी, वो जो सामने बिल्डिंग है ना वो दूसरा है, वो बीच में एक NH 24 आता है, उसके उस तरफ सिद्धार्थ विहार है, नोएडा इंदिरापुरम है, इंदिरापुरम में वैसे मैं पहले रहता था, मैं आपको बता दूँ अपनी लोकेशन, वो सारी लोकेशन है, और गाजियाबाद ये है देखो, ये रोड के उस तरफ गाजियाबाद है नाले के, और नाले के इस तरफ आपका नोएडा लग जाता है। एक बहुत ही खराब खबर आ रही है दोस्तों पेरिस ओलंपिक से, विनेश फोगाट जो विनेश फोगाट जी जो थी ना,
वो गोल्ड के लिए आज फाइनल खेलने वाली थी और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि उनका वजन ज्यादा निकला। वो रेसलिंग वाला केस है और रेसलिंग में वेट का आपको पता है ये बहुत मैटर होता है। आप एक रेंज के वेट वाले से ही आपकी जो कुश्ती होती है, सुल्तान मूवी सबने देखी होगी, बट यार ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। गोल्ड मेडल आ सकता था यहाँ से और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है वो भी फाइनल से। दोस्तों मौसम तो वैसे ही बहुत सुहाना था, ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबांदी और हो रही है और इतनी प्यारी ठंडी चिल्ड हवा चलती है ना भाई, मज़ा आ गया। मतलब जी कर रहा है यहाँ पे एक गद्दा डालूं, यहीं पे नहीं जमीन पे एक गद्दा डालूं, तकिया लेके आऊं अंदर से और भाई बगल में चाय पकौड़े आ जाएं, भाई वाह जिंदगी सुभान अल्लाह हो जाए। बारिश इतनी मंदी हो रही है ना बूंदाबांदी की, कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो रही है, पर भाई वाकई में ना मतलब मौसम जो हो रहा है वो औसम हो रहा है। बादल देखो आप। आज प्रॉपर्टी को लेकर एक नई अपडेट आई है कि अगर किसी ने 23 जुलाई से पहले घर लिए हैं या जिसके पास भी 23 जुलाई से पहले की प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो इंडेक्सेशन में आ सकता है, यानी इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे दो, या फिर वो नए जो टैक्स नियम आए हैं कि 12.5% टैक्स दे दो प्रॉफिट पे और कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। इन दोनों में से ऑप्शन होगा कि तुम कोई सा भी चुन लो। तो मैंने तुरंत कॉल करी इंतजार जी को, मैंने पूछा भैया कि हमने कब ऑफिस खरीदा है, तो हमारा ऑफिस 11 जुलाई को आ रहा है, तो ठीक है हम इंडेक्सेशन हम चुन लेंगे जब भी हम बेचेंगे ना कोई। मैंने अपने यूज के लिए तो वैसे अभी तो नहीं है कि हमने यूज के लिए लिया हो, हमने तो एक इन्वेस्टमेंट रूप में ही लिया है, बाकी आगे पता नहीं बेचने का मन बने ना बने, तो अगर इनके सेल करना हुआ तो देखेंगे किसमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जिसमें ज्यादा बेनिफिट होगा वही वाला अपनाएंगे। और आपको भी मैं बता दूं कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो तो आपको नए टैक्स के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जितना भी आपने गेन करोगे, जैसे 30 लाख में ली 50 लाख में बेच रहे हो तो 20 लाख बनता है आपका, तो 20 लाख पे आपको 12.5% देना होगा नेट। बाकी चैनल पे तो मैं मेन चैनल पे इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को तो नहीं लगा ब्लॉग, बाकी आप बताइएगा अगर आपने यहाँ तक देखा है तो शायद या तो आप हमारे तंगड़े वाले सपोर्टर हो हमारे या फिर मजा आया आपको ब्लॉग में, जो भी है ठीक है बढ़िया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीजों के साथ। अच्छा कल मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करूंगा, सब लोग ये जानना चाहते हैं हमारे होम टूर की वीडियो के बाद कि भैया ये घर कितने का खरीदा है, हमें भी लेना है हमें बता दो, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये घर कहाँ है कितने का है और यहाँ की आसपास की प्रॉपर्टी कितने की है, और अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो इसी क्षेत्र में कहीं तो आपको कहाँ जाना चाहिए। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम।